जब हम हिमाचल प्रदेश में कर्नाटक में हमार सरकार बने के पहली चुनाव समय हम महालक्ष्मी योजना लागू करें जिसमे महिला मल्ल 1,500 से 2,500 तक दे के घोषणा करें तो भारतीय जनता पार्टी मन कहा ये रेवड़ी है। लेकिन जैसे लोकसभा में जनता जब ओला औकात बताई इस महायुति तुरते वो कर्म के स्वर बदल गए और 1,500 रुपया दे थे। कहा 15 लाख देवैयारी से 1,500 में उतर गए। हमार योजना है नकल एमन करा थे लेकिन हमार सरकार बनी महाविकास अघाड़ी सरकार बनी तो 3,000 रुपया महीना के मिली 3,000 रुपया और बेरोजगार साथी मन है नौजवान जिन बेटा बेटी मन है वो मन ला 4,000 रुपया किसान मन है 3 लाख तक ओकर मन के ऋण माफी आज इलाज में बहुत खर्चा होते 25 लाख रुपया तक के इलाज में 1 पैसा देल नहीं लगाए चाहे कतको बड़े बीमारी हो। बस सेवा फ्री रही महिला मन भर ये 5 जन घोषणा है आपके सामने। शरद पवार जी आपसे चर्चा करिए आप बोला सुने लाए हो मैं बहुत ज्यादा देर आपके और शरद पवार जी के बीच न रहते हुए माहौल बहुत दिन बाद मन साझा करे के मौका मिले महो पवार जी सुनना चाहता हूँ। अमरावती भी जाना है तो हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन और विनती आप सबसे करता हूँ कि ये लड़ाई आप अपन हाथ में लो। 2019 का जो चुनाव हुआ आपने जो मतदान किया था महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया था आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी मुख्यमंत्री बने लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सहन नहीं हो पाया कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और बहुत बढ़िया काम कर रही है जनता के हित में फैसला कर रही है बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। आदरणीय अनिल जी देशमुख गृह मंत्री थे इस प्रदेश में अमन चैन था भाईचारा था विकास के नए रास्ते खुले थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या करने के साजिश की उन्होंने शिवसेना को तोड़ा उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा लड़ाइयां लड़ी गई लोग इस पर नाराजगी भी व्यक्त किए मामला सुप्रीम कोर्ट तक के गया और उन्होंने कहा यह सरकार अवैध है यह सरकार गलत ढंग से बना हुआ यह सरकार चुनाव चिन्ह के लिए आदरणीय शरद जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई आज ही विज्ञापन छपा है जो चुनाव चिन्ह पुराना था उसके नीचे लिखना पड़ेगा ये अस्थाई है ये विवादित है जैसे सिगरेट में लिखा रहता है नीचे सिगरेट पीना हानिकारक है उसी प्रकार से उसके चुनाव चिन्ह के नीचे लिखा गया है ये विवादित है और आज विज्ञापन छपा है सभी समाचार पत्रों में। ये सरकार विवादित है वो पार्टियां विवादित है उनके नेताओं में विवाद है कोई एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करना करते बात करना तो दूर की बात।